हाय एवरीवन, आज हम आपके लिए लाए हैं पांच ऐसी साईफाई मूवीज़ जो अपने आप में एक मास्टरपीस हैं, पर बहुत ही कम लोग इन मूवीज़ के बारे में जानते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज़ द क्रिएटर, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.8। ये मूवी एक अपना पर्सपेक्टिव रखती है कि आखिर ह्यूमन होना होता क्या है, हमारी बॉडी, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, ऐसा क्या है जो हमें ह्यूमन बनाता है। इस मूवी में एक साइंटिस्ट एक बहुत ही एडवांस AI बनाता है जो कि इंसान की तरह सोच सकता है, जिसमें ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ हैं। पर जैसे ही वो AI सेल्फ अवेयरनेस के साइंस दिखाने लगता है तो साइंटिस्ट एक डिलेमा में फंस जाता है कि उसने सही किया है। वो अपनी क्रिएशन के कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में सोचने लगता है। वी ह्यूमंस लाइक टू प्ले गॉड, हम चाहते हैं हर चीज़ पर हमारा कंट्रोल हो, पर इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं वो ये मूवी हमें बताती है। ये मूवी आपको कहीं कहीं थोड़ी लंबी लग सकती है, पर इसका VFX आपको ये बिलीव करने पर मजबूर कर देता है कि शायद ऐसी दुनिया कहीं ना कहीं तो एग्जिस्ट करती ही होगी। ये मूवी मेनली मोरेलिटी और जो एक छोटी सी लाइन होती है एक क्रिएटर और उसकी क्रिएशन के बीच, उस पर फोकस करती है और कई ऐसे सवालों का जवाब देती है जो हमारे दिल के शायद किसी कोने में छुपे रहते हैं। ये मूवी उन लोगों के लिए है जिन्हें एक इंटेलिजेंट साइफ़ाई और साइकोलॉजिकल ड्रामा पसंद आते हैं। नाउ द फोर्थ वन इन द लिस्ट इज पैसेंजर्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 7। ये स्टोरी है दो पैसेंजर्स की जो अर्थ से कहीं दूर एक दूसरे प्लेनेट पर रहने जाते हैं, पर वहाँ पहुँचने से पहले ही उनके हाइबरनेशन पॉड में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से उनकी नींद खुल जाती है। और जब वो जागते हैं तो देखते हैं कि पूरी स्पेसशिप में बस वो दो लोग ही हैं और वापस जाने का उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। अब कैसे वो आपस में बॉन्डिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता वो कब तक उस प्लेनेट पर पहुँचेंगे, उनकी रिलेशनशिप क्या मोड़ लेगी और क्या वो सही सलामत उस प्लेनेट तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं। ये सब जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी दिखाती है कि जब इंसान अकेला होता है तो वो क्या क्या नहीं करता, फिर क्या सही क्या गलत, सारा फ़र्क ख़त्म हो जाता है। ये एक थॉट प्रोवोकिंग मूवी है जिसमें आपको एक्टर्स के कुछ डिसीजंस कंट्रोवर्शियल लग सकते हैं और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या एथिक्स, मोरल्स और फ्री विल जैसा कुछ एग्जिस्ट करता भी है दुनिया में या नहीं। ये मूवी हमें ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को भी दिखाती है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको एक रोमांटिक साईफाई मूवी देखनी हो तो। नाउ द थर्ड वन इन द लिस्ट इज ग्रेविटी, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.7। ये स्टोरी है दो एस्ट्रोनॉट्स की जो कि एक रूटीन स्पेस वॉक पर जाते हैं, पर कैसे वो उनके लिए एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस पर कन्वर्ट हो जाएगा उसे जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी हमें इन्फिनिट स्पेस के वॉइड को दिखाती है। अब जब कोई वहाँ छूट जाए और आपके पास घर जाने का कोई रास्ता ना हो, वो डर आपको स्क्रीन से बांधे रखता है। मूवी की सिनेमाटोग्राफी तो जैसे मेरा दिल जीत लेती है, और इसमें 3D टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा यूज़ किया गया है। ये एक विजुअल मास्टरपीस है जो फियर के साथ साथ ह्यूमन रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन को भी दिखाती है। भले ही सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर क्यों ना हो, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। और मूवी के ख़त्म होने के बाद भी आप इसमें जैसे खोए से रहते हैं, वो सीन्स, इसका थीम जैसे आपके दिमाग में घर सा कर लेता है। तो अगर आपको एक स्पेस थ्रिलर साईफाई मूवी देखनी हो जो आपके ब्लड को पंप कर दे, तो इसे एक ट्राई ज़रूर दें। सेकेंड मूवी इन द लिस्ट इज अराइवल, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.9। किसी को भी अच्छा नहीं लगता अगर आपके घर पर कुछ अनचाहे से मेहमान आ जाए, क्योंकि जब वो आते हैं तो ज़्यादातर कलेश ही लाते हैं और आपको जैसे रियलाइज़ करा देते हैं कि वो सही हैं और आप गलत। वैसे मैं उन मेहमानों की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पीसीज एलियंस। अब कुछ एलियंस अर्थ पर आते हैं और उनका अराइवल सभी के लिए शॉकिंग है, क्योंकि हमें नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। क्या वो पीस चाहते हैं या वॉर, या फिर उन्हें हमारी हेल्प की नीड है, और क्या कोई ऐसा है जो उसे कम्युनिकेट कर सके और उनके आने का रीज़न जान सके। हमारे दिल में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आपको बस मूवी देखने पर मिलेगा। इस मूवी की कलर ग्रेडिंग, इसका BGM बहुत ही प्यारा है, वो सस्पेंस का माहौल, क्योंकि हमें नहीं पता एलियंस कैसे रिएक्ट करेंगे हमारी बातों पर, वो आपस में डिफरेंसेस क्या क्या नहीं है इस मूवी में। तो ये मूवी वो लोग ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं जिन्हें एक्शन से ज़्यादा सस्पेंस वाली साईफाई मूवीज़ पसंद आती है। फर्स्ट वन इन द लिस्ट इज द मार्शियन, जिसकी IMDb रेटिंग है 8। ये स्टोरी है एक एस्ट्रोनॉट के सर्वाइवल की जो कि मार्स पर छूट जाता है। नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर जाकर वहाँ एक बेस सेटअप करते हैं, पर एक स्टॉर्म की वजह से उन्हें वहाँ से निकलना पड़ता है। उसी क्रू का एक मेंबर वहीं रह जाता है, जिसे वो लोग डेड प्रिज्यूम करके उसके बिना ही अर्थ पर चले आते। अब वो कैसे उस वीरान से पड़े प्लैनेट पर सारे ऑर्ड्स के अगेंस्ट सर्वाइव करेगा, क्योंकि ना ही उसके पास ज़्यादा फूड की सप्लाई है, ना ही कोई कम्युनिकेशन डिवाइस काम कर रही है, और क्या वो कभी अर्थ पर वापस आ भी पाएगा, या फिर जो बाकी क्रू मेंबर्स को लगा था वो सच हो जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको मूवी देखने पर मिलेंगे। मैट डेमन लिटरली लिव्ड द कैरेक्टर, उनकी एक्टिंग आपको गूजबम्प्स दे देगी। वो जीने की चाह, ह्यूमन टेंडेंसी टू फाइट अगेंस्ट एवरीथिंग जस्ट टू सर्वाइव, इतना ब्यूटीफुली दिखाया गया है कि आप कहीं खो से जाते हैं उस दुनिया में। द विजुअल्स ऑफ द मूवी आर बेस्ट टेकिंग, चाहे वो मार्स की सर्विस हो या स्पेस क्राफ्ट की डिटेलिंग, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। हमने ट्राई किया है ऐसी मूवीज लाने का जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता, और अगर आपको किसी और मूवी का रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो लाने का ट्राई करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक छोटा सा एफर्ट हमें मोटिवेट करता है और नए नए वीडियोज़ लाने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अलग मूवीज़ के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।